असलम हावर यू ऑल उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे तो लास्ट लेक्चर में हमने जो है सेल वॉल पढ़ी थी सेल मेम्ब्रेन और सेल पड़ा था एज अ बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट आज जो है हम अपना थर्ड लेक्चर में प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स पढ़ेंगे सबसे पहले तो प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स, तो सेल्स, सेल्स होते क्या हैं प्रोकेरिओटिक सेल्स जो हैं वो सिर्फ प्लान्ट प्रजेंट होते हैं इसके अलावा जो है यू कैरियाटिक सेल्स जो होते हैं वो एनिमल्स में प्रजेंट होते हैं प्रोकेरिओटिक मीन्स के सिंगल न्यूक्लियस और यू कैरिटिक मीन्स के डबल न्यूक्लियस या मोर दैन टू न्यूक्लियस तो जो सिंगल सेल बेस्ड होते हैं वो होते हैं प्रो कैरिओटिक सेल्स और जो डबल सेल्स या मोर दैन टू सेल्स बेस्ड होते हैं उन्हें हम कहते हैं यू कैरियाटिक सेल्स प्रोकैरियोटिक सेल्स ज़्यादातर हमारे पास बैक्टीरियाज होते हैं और यू हमारे पास प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स और कुछ फंजाइज भी हमारे पास यू सेल्स में आते हैं इसके हम ज़्यादा अच्छा है कि डिफरेंसेस अगर हम पढ़ें तो हम समझ सकते हैं कि के प्रो कैरिओटिक सेल्स कौन से होते हैं और यू कैरिटिक सेल्स कौन से होते हैं तो सबसे पहली बात जो प्रो कैरिओटिक सेल्स होते हैं उनमें जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है वो एब्सेंट होती है इस वजह से जो इनका न्यूक्लियस है उसकी कोई जो है डेफिनेट या डिस्टिंक्ट जो है वो न्यूक्लियस नहीं होता वो बिल्कुल इरेगुलर शेप होता है यूकेरियोटिक सेल्स में जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है वो डबल होती है वो प्रेजेंट होती है इस वजह से जो उनका न्यूक्लियस है वो वेल well डिफाइंड होता है और रेगुलर शेप में होता है प्रोकैरियोटिक सेल्स में जो हैं वो कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड या जैसे कि माइक्रोकॉन्ड्रिया एंडोप्लाजमी रेटिकुलम गॉलोजी ऑपरेटर्स ये सब नहीं होता जबकि यूकैरियोटिक सेल्स में तमाम मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर्स यानी ऑर्गेनल जैसे माइक्रोकॉन्ड्रिया एंडोप्लास्मिक रेटिकुलम गॉलोजी बॉडीज़ ये सब यू सेल्स में प्रजेंट होते हैं नेक्स्ट हमारे पास है जो राइबोसोम्स जो होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स में वो स्मॉल साइज़ होते हैं एज वेल एज़ जो एनिमल सेल्स होते हैं इसके जो राइबोसोम्स होते हैं वो लार्ज साइज़ होते हैं न्यूक्लियो प्लाज यानी जो सेल है वो सेल वॉल जो होती है नहीं सॉरी न्यूक्लियो प्लाजम जो है वो यानी कि जो सेल के अंदर एक न्यूक्लियस होता है वो प्रोकैरियोटिक सेल्स में एब्सेंट होता है जबकि न्यूक्लियो प्लाज्म में वो प्रेजेंट होता है इसमें सिर्फ सिंगल क्रोमोसोम्स होते हैं जबकि यूकैरियोटिक सेल्स में जो है क्रोमोसोम्स वो डिप्लॉइड नंबर्स यानी डबल नंबर्स में हो जाते हैं रिस्पायरेटरी इंजाइम जो है वो इनर सरफेस पे लोकेटेड होता है जबकि यूकैरियोटिक सेल्स में रिस्पायरेटरी इंजाइम माइक्रोकॉन्ड्रिया में की तरफ जो है वो लोकेट हुआ हुआ होता है जो, diameter, जो प्रो कैरियोटिक साइज होते हैं उनका एवरेज साइज होता है जीरो पॉइंट फाइव टू टेन नैनोमीटर इन डायामीटर, जबकि जो प्रो कैरी यू सेल्स होते हैं वो टेन टू हंड्रेड नैनोमीटर डायामीटर में होते हैं प्रो कैरिओटिक सेल्स की एग्ज़ाम्पल्स होती हैं बैक्टीरिया सियानो बैक्टेरिया, इसके अलावा यू कैरियोटिक की एग्ज़ाम्पल्स होती हैं फनजा एल जी एनिमल्स एंड प्लांट्स होपफुली आपको प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल का डिफरेंस समझ में आया हो ये होते क्या हैं कल हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे थैंक यू सो मच अल्लाह हाफिज़